चलिए यहाँ की जनता से जानते हैं कि आखिरकार उन्हें क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार जो है वो आनी है। भैया पहले तो ये बताइए कितने सालों से यहाँ दुकान डाले हुए हैं? 7 साल। 7 साल से क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आएगी, माहौल क्या लग रहा है? मोदी सरकार का माहौल लग रहा है। भैया आप लोग क्या कहेंगे, किस माहौल क्या लग रहा है चुनाव का? अच्छा लग रहा है जी, मतलब किसको क्या लग रहा है, किसकी लहर है? तो मोदी जी की लहर, मोदी की लहर है। दादा कितने समय से यहाँ पर दुकान डाल रहे हैं? 15 साल। 15 साल से दुकान डाल रहे हैं। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर शिवसेना का गढ़ बोला जाता है, ठीक है, इस बार शिवसेना दो पार्ट में अलग अलग हो गई है, ठीक है, अमोल कृतिकर, रविंद्र वायकर, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आई? अमोल कृतिकर की। क्यों शिवसेना, मतलब उद्धव ठाकरे की शिवसेना? उद्धव ठाकरे। क्यों उनका नाम आप ले रहे हैं? वो अच्छा पार्टी है। अच्छा पार्टी, हाँ, पार्टी अच्छे है। दादा आपकी दुकान यहाँ कितने समय से है? 25 साल। 25 साल से। इस बार चुनावी माहौल में क्या लग रहा है, किसकी सरकार आएगी? अभी तो देखो किसकी सरकार आएगी। यहाँ पर क्या लग रहा है शिवसेना में, कौन सी शिवसेना, उद्धव ठाकरे या शिंदे गुट, दोनों में से किसकी शिवसेना? उद्धव ठाकरे की। मतलब अमोल कृतिकर को वोट जाएगा? हाँ। जी, क्यों उनको जाएगा? वो पहले से है और हम लोग भी वोट देते हैं उनको। किसकी लहर लग रही है, कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी, क्या लग रहा है? हमारा तो कहना है उद्धव ठाकरे जी का। अमोल, क्या नाम उनका? अमोल कृतिकर। अमोल कृतिकर जी। हमारे साथ महायुति के शिवसेना उम्मीदवार रविंद्र वायकर जी मौजूद है। रैली का सिलसिला जो है वो जोरों शोरों से चल रहा है, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? लगातार रैली कर रहे हैं, देखो खुद बैनर बना के ला रहे हैं उनकी लैंग्वेज में, यानी कोई प्यार होता है कि ये आदमी चुन के आना चाहिए, मोदी सरकार वापस होनी चाहिए, मोदी जी पंतप्रधान होने चाहिए, ये उनके लक्षण है जो अच्छे से दिख रहे हैं आपको। अमोल कृतिकर जो है वो मैदान में है, उनके पिताजी आपकी पार्टी में है, कैसा आपको लग रहा है टक्कर कैसी होने वाली है? देखो इलेक्शन में तत्व, काम, देश सब देखा जाता है, तो इसके अंदर जो मैच्योरिटी, एजुकेशन, यानी वो हायर सभागृह है, यानी कॉरपोरेशन नहीं है, विधानसभा नहीं है, देश का सभागृह, तो उसको अच्छे पढ़े लिखे अनुभवी लोग होनी बहुत जरूरी है, क्यों देश का कैसा विकास हो देखने की विजन भी होनी चाहिए, तो हमारे में है वो, तो चुन के देने वाली है लोग। हमारे साथ मुंबई नॉर्थ वेस्ट से उम्मीदवार अमोल कृतिकर जी मौजूद हैं। सर चुनाव माहौल है, लगातार रैलियों का सिलसिला जो है वो आपकी तरफ से किया जा रहा है, तो इस बार मुद्दे क्या होंगे? पहली बार लोकसभा का चुनाव भी आप लड़ने वाले हैं, तो क्या कुछ मुद्दे लेकर आप मुंबई की जनता से जो है वोट अपील करेंगे? देखिए मैडम, चुनाव नगर सेवक का हो, आमदार का या लोकसभा का, पहला मुद्दा तो लोगों का वाटर मीटर गटर का ही आता है, तो वो तो हमको उनकी जो समस्या उसके लिए हमको काम करना ही पड़ता है जी। देखिए नॉर्थ वेस्ट में इस बार शिवसेना वर्सेस शिवसेना की लड़ाई जो है वो साफ तौर पर देखने मिलेगी। 2019 में आपके पिता लगातार दो इलेक्शंस में जो है उन्होंने काफ़ी संख्या से जो है वोटों से जीत हासिल की है, लेकिन इस बार आप दूसरी, मतलब शिवसेना से, उद्धव ठाकरे की शिवसेना से आप मैदान में खड़े, तो कितना मुश्किल होगा, क्योंकि आपके पिताजी शिंदे कैंप में हैं, आप उद्धव ठाकरे के साथ हैं, तो कितना मुश्किल होगा लोगों के लिए चूज़ करना कि शिवसेना के किस कैंडिडेट को हमें वोट देना चाहिए? मेरे ख्याल से मेरे पिताजी ने जो निर्णय लिया है और मैंने जो निर्णय लिया है, तो उसको अभी 7-8 महीने हो चुके हैं, तो मेरे लिए बात पुरानी हो चुकी है, और यहाँ पर शिवसेना वर्सेज शिवसेना नहीं है, असली शिवसेना वर्सेज नकली शिवसेना, ये लड़ाई है, और मेरे ख्याल से शिवसेना ये ठाकरे की थी, ठाकरे जी की है और ठाकरे जी की रहने वाली है। चूड़ी की दुकान कितने सालों से लगा रहे हैं? 83 से आपकी दुकान है, तो यहाँ पर आपने काफी चुनाव जो है वो देखे होंगे, इस साल चुनाव माहौल क्या लग रहा है? मोदी मोदी कर रहे हैं, मोदी का ही, मोदी आने वाला है, मोदी आएंगे। आंटी आपसे जानना चाहेंगे क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आएगी, मोदी सरकार आएगी? मोदी आएगी। मोदी हमारा गुजरात का है ना? अच्छा गुजरात से है आप। गुजरात में वोट डालती है, मुंबई में ही वोट डालती? नहीं, मैं मुंबई में डालती हूँ, और गुजरात में तो गुजरात में डालती हूँ। लेकिन डालेंगी बीजेपी कहीं भी डाले? नहीं नहीं, जो नरेंद्र मोदी को ही डालेंगे, मतलब प्यार उनके लिए है। हमारा गुजरात का है, तो वडनागढ़ का है, हमारे बाजू के गाँव का है। अंकल कितने समय से यहाँ आपकी दुकान है? 10 साल। 10 साल से। यहाँ पे चुनावी माहौल क्या लग रहा है, अगर हम गोरेगांव जोगेश्वरी की बात करें? बीजेपी का चांस है, मोदी जीतेगा किसे भी। अच्छा, मतलब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन यहाँ से उद्धव बाला साहेब ठाकरे से अमोल कृतिकर जी? अमोल कृतिकर जी।
चुनावी माहौल है, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आएगी? मोदी जी का। मोदी सरकार आएगी? क्यों मोदी सरकार आएगी, क्यों ऐसा लग रहा है? अच्छा, हर चीज तो कर रहे हैं मोदी जी। दादा, इलेक्शन का माहौल है, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आएगी? जहाँ तक उम्मीद है भाजपा की सरकार आएगी। भाजपा की सरकार आएगी, आप क्या कहेंगे? उम्मीद तो यही है। उम्मीद यही है, क्या लग रहा है 400 पार जो नारा लग रहा है वो होगा या? ये तो थोड़ा समथिंग में ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे 400 पार भी हो भी सकता है, मेजोरिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर जनता के विचार आपने सुने, ये देखा यहाँ पर इलेक्शन वाला वोट जो है वो यहाँ पर लोग किसको डालते नजर आएंगे, किसको प्यार किसको स्नेह जो है वो लोग देते नजर आ रहे हैं। तो लगातार यहाँ पे लोगों के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन जो है वो साफ तौर पर आपको देखने मिल रहे हैं। कई सारे लोग रविंद्र वायकर को समर्थन कर रहे हैं, वही कुछ लोग अमोल प्रीतिकर को जो है वो सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम अमोल प्रीतिकर की बात करें तो अमोल प्रीतिकर जो है उनका कहना ये है कि शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे जो है वो अब जनता के कटघरे में उतरी है, जनता से प्यार मांगेगी। तो लगातार उनका कहना ये है कि जनता जिस हिसाब से वोट देगी उस हिसाब से ही समझेगा कि आखिरकार असली शिवसेना कौन है। वही अगर हम रविंद्र वायकर की बात करें तो रविंद्र वायकर का ये कहना है कि अमोल प्रीतिकर को ज़्यादा तजुर्बा है नहीं, वो लगातार अपने पिता गजानन प्रीतिकर के अंडर जो है वो काम करते नजर आए हैं, तो तजुर्बे के मामले में रविंद्र वायकर उनसे ऊपर हैं। वहीं इस बार इस क्षेत्र में जो है शिवसेना वर्सेज शिवसेना की लड़ाई जो है वो साफ तौर पर आपको देखने मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट रितेश पाटिल के साथ मैं श्रेया दुबे, न्यूज 18 इंडिया, मुंबई।